परिवार में कम से कम दो बच्चे हैं, इसका मतलब 20,000 रुपया तो केवल बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए। और हमारे समाज के 99% ऐसे लोग हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम 20,000 रुपये नहीं है। उस 99% का क्या होगा, इस पर सोचने की जरूरत है। और दूसरी तरफ ठेकेदारी प्रथा लागू करके 1990 के आसपास धीरे धीरे हमारे नौकरियों के रास्ते इन्होंने बंद कर दिए। हमारे सारे साथी जानते होंगे क्लास वन तक की पोस्ट पर ठेकेदारी ठेके पर भर्ती हो रही है, क्लास वन की पोस्ट पर। तो हमारा भविष्य क्या है? जो कुछ बाबा साहब ने दिया हमारे रहते छिन गया, हम लोग जो भाषण ही देते रह गए, अब लड़ना पड़ेगा। और इसलिए लड़ना पड़ेगा क्योंकि अब आस्था को संविधान के ऊपर ताकत देने का काम किया जा रहा। जिस तरह जो अयोध्या के दर्दनों पर सब हुआ, लोगों को भयभीत किया जा रहा है, लोग अपने घर के ताले लगा के निकल रहे हैं। और एक और बात, ये हमले केवल दलितों पे क्यों होते हैं? ये हमले केवल माइनॉरिटी पे क्यों होते हैं? ये बाकी पे क्यों नहीं होते? जिसको राष्ट्रपिता कहते हैं उसकी हत्या करने वाले करने के बाद उस कौम पे तो इस तरह हमले नहीं हुए, फिर हमारे लोगों पे हमले क्यों? दलित क्यों मरता है? अनुसूचित जाति जनजाति के लोग क्यों मरते हैं? लास्ट में एक बात, एक अपनी बात खत्म करूंगा। आज एक बात समझनी पड़ेगी, हम कमजोर क्यों हैं? ये लोग मुट्ठी पर लोग हावी क्यों हैं? 10% लोग राज कर रहे हैं, सारे संसाधन इनके कब्जे में। शायद इसलिए कि इन्होंने हमें बड़ी चलाकी से छोटी छोटी जातियों में बांट दिया। तब इन्होंने बांटना बड़ी चलाकी से हमारी मजबूरी थी, पर क्या आज हमारी कोई मजबूरी, हम जातियां खत्म नहीं कर सकते? क्या आपस में रोटी पेटी का रिश्ता नहीं कर सकते? मुझे लगता है आपको जो आए, मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ, फिर कभी बात करूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।